हेलो गाइस, आज मैं आप सबको एक ऐसा ताजमहल दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। और यह है वो ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ताजमहल के पीछे का जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है और आप लोगों को भी सुनना चाहिए। इस ताजमहल का स्टोरी शुरू होता है 1953 से, जब ये अंकल जिनका नाम है फैजुल हसन कादरी, इन्होंने जब शादी किए थे तब कुछ महीनों के बाद यह मालूम चला कि इनके जो बीवी थी कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। तब अंकल के फैमिली वालों ने, माँ बाप ने, भाई बहनों ने कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन अंकल ने इस बात को पूरी तरह से मना कर दिया कि हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। और बातों बातों में ही एक दिन आंटी ने अंकल से पूछने लगी कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमें याद करने वाला कोई भी नहीं रहेगा, यानी हमारा जिक्र करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। तब अंकल ने आंटी से कहा कि अगर मेरे रहते हुए पर तुम्हारा इंतकाल होता है, यानी तुम्हारा देहांत होता है, तो मैं तुम्हें इस खेत के बीचों बीच दफन करके एक ऐसा मकबरा बनाऊंगा जिन्हें देखकर दुनिया हमें परसों याद करेंगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। आंटी का देहांत हो जाता है और अंकल जी ने इस ताजमहल को बना डाला। और सबसे खास बात यह है इस ताजमहल का कि इस ताजमहल के अंदर में जो एक कबर है आंटी का, उस कबर के बाजू में और एक कबर के लिए जगह छोड़ रखे थे अंकल ने। और उनका ख्वाहिश था कि जब भी मेरा इंतकाल हो तो मुझे अपने बीवी के कबर के बाजू दफनाया जाए। और एक सैड मूवमेंट आता है मेरे दोस्त, 2012 में अंकल जी का एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाता है। सच में बहुत ही सैड मूवमेंट था ये, क्योंकि अंकल का ख्वाहिश था कि वो एक आलीशान ताजमहल बनाए, लेकिन यार उनका सपना तो यहीं पे टूट गया। लेकिन ये आपका जिम्मेदारी है कि जो अंकल का जो सपना था, जो ड्रीम था, और आंटी का जो ख्वाहिश था कि उन्हें सारा दुनिया याद करे, इसीलिए अंकल ने इस ताजमहल को बनाया था। प्लीज आप इस वीडियो को हद से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाएगा उतने सारे लोग देखेंगे, उनके बारे में मालूम चलेगा और उन्हें याद करेंगे, तो कहीं ना कहीं अंकल का ख्वाहिश पूरा होते हुए दिखता है। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल RR Facts। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।